आज हम ग्रीन चिल्ली को हार्वेस्ट करेंगे और मैं इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि आप इसकी सीडलिंग कब कर सकते हैं और दूसरा इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज कहाँ से लेंगे आप, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, इस ग्रीन चिल्ली के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, वो तो सब्जी के साथ फ्री भी हमें मिल जाती है, लेकिन इस ग्रीन चिल्ली के अंदर ये खास बात है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, बगैर फर्टिलाइज़र, बगैर केमिकल स्प्रे। आप अपने घर में ऑर्गेनिक ग्रीन चिल्ली को लगा सकते हैं, मतलब सब्ज़ मिर्च को लगा सकते हैं। देखें, पौधे मेरे भरे हुए हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था मैंने इसी पौधे के ऊपर से ग्रीन चिल्ली को हार्वेस्ट किया था और इसी तरह वो भरी हुई थी और सेम यही पौधा है वो। लेकिन दोबारा इस पौधे के ऊपर कैसे ग्रीन चिल्ली आ गई है, सब्ज़ मिर्च कैसे लग गई है, वो इस तरीके से लगी है कि जब मैंने इनको हार्वेस्ट किया था उसके बाद शाखों को मैंने काट दिया था। शाखें काटने की वजह से हुआ ये कि न्यू शाखें निकल आई अंदर से। जब वो न्यू शाखें निकली तो उनके अंदर से अलग अलग फूल आए और उन फूलों के अंदर से हमारी सब्ज़ मिर्चें लगना स्टार्ट हो गई। अभी अगर इनको मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगा तो ये रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जो आप रेड चिल्ली पाउडर इस्तेमाल करते हैं, रेड चिल्ली भी अगर आपने देखी है तो ये देखें, ये पौधे के अंदर छुपी हुई है। दूसरे गमलों के अंदर ये रेड चिल्ली भरी हुई है, उनको ज़्यादा देर हो गई है, इस तरह से ये बिल्कुल रेड हो जाती है। ये देखें, बेहतरीन किस्म की रेड चिल्ली आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन चिल्ली चाहिए तो बिल्कुल इस तरीके से आप ले सकते हैं। इनको हार्वेस्ट करके आपने इनको ड्राई करके ग्रीन चिल्ली पाउडर भी बना सकते हैं, मतलब सब्ज़ मिर्चों का सब्ज़ पाउडर भी बना सकते हैं। इसके लिए ये सीडलिंग कब आप कर सकते हैं, आज अगस्त की 15 तारीख है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी पूरा अगस्त का मंथ पड़ा हुआ है, 15 दिन पड़े हुए हैं आपके पास। तो 15 दिन के अंदर अंदर आप ये ग्रीन चिल्ली की सीडलिंग कर सकते हैं। और आप सीडलिंग कौन से वाले बीज लगाने वाले हैं, बीज आपने हाइब्रिड लगाने हैं, देसी बीज का सीज़न नहीं है, देसी बीज का सीज़न ख़त्म हो चुका है। अगर आपके पास हाइब्रिड बीज हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये बीज लेंगे कहाँ से। बीज ऑनलाइन बहुत इजी है, मिल जाता है, बस आपने कंप्यूटर के आगे बैठना है, मोबाइल के आगे बैठना है, सर्च करना है, जिस कंट्री के अंदर भी आप रहते हैं वहाँ से आपको ये बीज वही उसी शहर के अंदर से ईजीली मिल जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप Draaz.com से भी ले सकते हैं, आप Amazon से भी ले सकते हैं, अगर इंडिया में है तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज मिल जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी जो मिर्चों के पौधों के लिए वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी क्यों होनी चाहिए, अगर वेल ड्रेन नहीं है और नमी अंदर ज़्यादा रहेगी तो आपके जो मिर्चों के पौधों के ऊपर फूल आएंगे ना, वो फूल बहुत ज़्यादा जड़ेंगे, फूलों के अंदर से मिर्चियाँ नहीं बनेंगी, वो सारे के सारे फूल जड़ना शुरू हो जाएंगे। वो किस वजह से होता है, जब नमी बिल्कुल ज़्यादा हो जाए। और बाज़ एरिया का जो पानी है वो सब्ज़ मिर्चों के लिए ठीक नहीं रहता, आप पानी जैसे ही देते हैं आपके सब्ज़ मिर्च के पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाला जो हमारा घर का पानी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है सब्ज़ मिर्चों का लिए। उसके अलावा अगर आप कहीं और से पानी ला सकते हैं तो वो पानी आप दे सकते हैं। आप इसको मीठा पानी नहीं दे सकते, मतलब जो नहरी पानी होता है, दरियाई पानी, वो मीठा पानी होता है। अगर उसको आप इन सब्ज़ मिर्चों के पौधों को देंगे तो सब्ज़ मिर्चों के पौधे आपके मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। हालाँकि वो पानी बेहतरीन है वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए, लेकिन वो सब्ज़ पौधों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब सब्ज़ मिर्चों के पौधों के लिए वो बिल्कुल जहर का काम करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपके पास चिकनी मिट्टी अवेलेबल है और वेल ड्रेन नहीं है तो उसके अंदर आप ब्रीक सैंड मिक्स कर लेंगे ताकि वो वेल ड्रेन हो जाए, और गाय के गोबर को मिक्स कर लेंगे ताकि उसके अंदर हल्की हल्की नमी भी बरकरार रहे, ताकि ये ना हो कि आप पानी दें और बिल्कुल ही पानी ड्रेन हो जाए और बिल्कुल मिट्टी ड्राई बार बार हो जाए, तो उससे भी फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ मैं करता यूँ कि इनको तोड़ता भी रहता हूँ, ये देखें। अच्छा, इनको तोड़कर आप अचार भी डाल सकते हैं और इसका पाउडर भी बना सकते हैं और ऐसे भी
हंडिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम जो मेरे हाथ में ये सब्ज मिर्चियाँ पड़ी हुई हैं, ये इतनी कीमती हैं, यही ये 100 रुपीज़ की हैं इतनी, क्यों? ऑर्गेनिक है। आप कहीं सुपर स्टोर वगैरह में जाके देखें इनका रेट, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा रेट है इन सब्ज मिर्चों का, वो भी ऑर्गेनिक वाली का। जो केमिकल वाली है तो वो आपको आम दुकानों से मिल जाएगी, उसका कोई आपको टेंशन नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्रोनिंग के। प्रोनिंग क्या होता है कि जब पौधा आप लगाते हैं तो सिंगल पसली होता है, और ऊपर से अगर आप उसको काट देंगे, उसका टॉप वाले हिस्से को तोड़ देंगे, तो वो पौधा अपने अंदर से मज़ीद नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है। तो वो जितनी ब्रांचेस निकालेगा उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सब्ज मिर्चों के पौधे हैं वो उतने ज़्यादा झाड़ी नुमा बनना शुरू हो जाते हैं। जितने वो झाड़ी नुमा होगा उतनी ज़्यादा आपको ऊपर मिर्चें देखने को मिलेंगी। बास टाइम ऐसा भी होता है कि आपके मिर्च के पौधे के ऊपर ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है। वो किस सीज़न में आता है? वो इसी सीज़न के अंदर आना शुरू होगा। जब अगस्त में सीडलिंग करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में जाकर वो ऊपर ब्लैक ब्लैक सा बहुत सारा तेला सा आना शुरू हो जाता है, वो जो आपके सब्ज मिर्चों के पौधों को बर्बाद कर देता है। उसके लिए आपको हर 4-5 दिन बाद हल्दी और उसके साथ आपने ग्रीन चिल्ली पाउडर या रेड चिल्ली पाउडर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है 1 लीटर पानी के अंदर, और उसके साथ 2 से 3 चुटकी सर्फ इस्तेमाल कर लें, तो वो आपने करते रहना है। इंशाल्लाह आपके पौधों के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको नीम ऑयल मिल जाता है तो बेहतरीन है, नीम ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप आप 1 लीटर पानी के अंदर डालकर और उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप, तो वो बेहतरीन आपका महलूल बन जाएगा। उस महलूल को आपने मिर्चों के पौधों को करते रहना है ताकि वो जो ब्लैक कलर का तेला और ऊपर से जली जली आपके पौधे आपको दिखाई देंगे जले जले से, तो वो भी इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं होंगे फिर, और आपके पौधे भी हेल्दी होंगे और आपको मिर्चें भी अच्छी मिल जाएंगी एक ही पौधे के ऊपर से। ये देखें जी, ये सारी मिर्चें अभी मैंने एक पौधे से तोड़ी हैं, ये वाली। दूसरे गमले भी उधर पड़े हुए हैं, वो भी भरे हुए हैं मिर्चों से। और ये जो मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, ये वाली मिर्चें ये दूसरी दफ़ा लग चुकी हैं, तो दूसरी दफ़ा यहाँ से मैं तोड़ रहा हूँ। और क्यों तोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसकी टाइम से वो पिंचिंग कर दी थी। पिंचिंग किस सीज़न में होती है? कि जब आप इसको अप्रैल में लगाते हैं तो वो इसका सीज़न होता है, तो उससे जो एक आप हार्वेस्ट ले लेंगे उसके बाद आप पौधे के ऊपर वाली शाखों को इस तरीके से काट देंगे, जैसे ये काट दिए, अब नीचे से नई ब्रांचेस निकलेंगी तो आपको दूसरी दफ़ा मिर्चें भी मिलना शुरू हो जाएंगी एक ही पौधे के ऊपर से। खादों का मैं यहाँ पे बता दूँ, जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल किया, मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, और इसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया था लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ था ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। वो किस से बनता है? गुड़ से, गाय के गोबर से और बेसन से। वो बेहतरीन NPK फर्टिलाइज़र बन जाता है। वो आपने फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे सकते हैं। इसके ऊपर से मुझे उम्मीद है कि इन पौधों के ऊपर से मैं दोबारा इंशाल्लाह फिर से मिर्चें हासिल कर सकता हूँ। किस तरीके से मैं हासिल कर सकता हूँ कि इसकी मैं कुछ कटिंग कर दूँगा कुछ कुछ ब्रांचेज के ऊपर से। ये देखें, जहाँ से मैंने मिर्चें तोड़ी थी उसी वाले टॉप को मैंने काट दिया। यहाँ से काटा तो ये नीचे से नई ब्रांचेज निकालना शुरू कर देगा पौधा। पौधे को लगेगा कि मुझे मज़ीद अभी बड़ा होना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर आपको खुराक भी ऐड करते रहना है। वर्मी कंपोस्ट आपने वक्फे से पानी के अंदर 1 कप वर्मी कंपोस्ट 1 लीटर पानी के अंदर भिगो के रखें। 24 घंटों के बाद वो पानी और वो जो वेस्ट है वो गमले के अंदर डाल सकते हैं। जब वो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो वो जो ऊपर वर्मी कंपोस्ट होगी उसको आपने मिट्टी के साथ मिक्स कर देना, मतलब गोडी करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने 5 से 6 दिन बाद या 7 दिन बाद ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते रहना है। वर्मी कंपोस्ट है तो 1 से 2 दफ़ा वो इस्तेमाल करें, 1 से 2 दफ़ा गाय का गोबर इस्तेमाल करें। लिक्विड खाद अगर आप बना लें, NPK खाद है, वो ये काम करती है कि फ्लावर बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आती है। हाँ, आप जो केले के छिलके होते हैं उनको पानी के अंदर भिगो कर उनकी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो भी फूलों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो वो भी इजीली बन जाती है, उसका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भाई की वीडियो और भाई की मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।